बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले के माधव सेवा संस्थान बरूड द्वारा राष्ट्रीय धावक सुनील डावर के माता पिता का सम्मान घर जाकर किया। ग्राम बरूड के प्रथम नागरिक गीना अछाले द्वारा सुनील के पिता के सिर पर पगड़ी बांधी। संस्थान और ग्रामवासियों की ओर से ललित सोनी द्वारा माला पहनाकर माता पिता को श्रीफल और वस्त्र बैठ कर सम्मान किया गया। संस्थान के प्रवक्ता विजय कुमरावत ने बताया कि सुनील का जन्म 2 अगस्त 2001 को हुआ। उनकी माता का नाम रेमती बाई और पिता का नाम बिलर सिंह है। माता पिता ने मजदूरी कर सुनील और भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया। सुनील पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी कर परिवार का भी हाथ बटाता था। सुनील की बचपन से ही दौड़ने में रुचि थी। विद्यालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर संभाग तक खेले। इस प्रतिभा के दम पर उनका चयन मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एकादमी भोपाल में हो गया। वहां पहुंचकर प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे। नवंबर 2019 में आंध्र प्रदेश के नागार्जुन यूनिवर्सिटी गुंटूर में राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स में 1500 मीटर दौड़ के स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश को दिलाया। चैंपियनशिप में सुनील डावर ने 1500 मीटर दौड़ को 3 घंटे 48 मिनट में पूरी कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया और 1 से 10 दिसंबर 2019 तक आयोजित 7 देशों के साउथ एशियन गेम्स नेपाल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हिस्सा लिया। साउथ एशियन गेम्स में 5000 मीटर दौड़ में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। यह दौड़ 14 घंटे 55 मिनट में पूरी की। बरूड जैसे छोटे गांव का नाम पूरे भारत में पहुंचाया। ऐसे वीर धावक पर समस्त ग्रामवासियों को गर्व है। बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। सुनील भाई हमारा बरूड का लाल था, इसलिए हम सब माधव सेवा संस्थान एवं बरूड के जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता ने सोचा कि इनका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि इस बेटे ने हमारे बरूड का नाम रोशन किया है पूरे भारत के अंदर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमरावत। इतनी दूर गया है देश के लिए खेलने, इसलिए क्या कहेंगे आप? अपना बच्चा खेलने गया देश के लिए। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप क्या चाहेंगे उससे? और आगे बढ़े, इसका नाम आगे बढ़े। क्या नाम है आपका? बिलर सिंह। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।